रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुमान में रखे और आपको अपने बच्चों पर सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है वाली हटमन वाला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और पूरी वीडियो वॉच करें और उसे स्किप ना करें और आप देखें कि माँ जी के काम आपको देखने चाहिए। कि इस तरह देखने से स्पोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ता है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। तो मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस। तो इसमें वो गाजर भी डलेगी, इसमें आप पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसमें सोया सॉस भी डालूंगी। इसमें बड़ा कुछ डलता है और मैं काली मिर्च भी डालूंगी और ये चिली सॉस भी है और दूसरी टमाटो केचप भी है। तो आप उसमें प्याज भी काट के डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने इतना कुछ ये नहीं डालना। इनको मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको बॉयल किया है और वो क्यूब्स में काटा हुआ चिकन है उसको भी थोड़ा फ्राई करूंगी और ये शिमला मिर्च है और वो गाजर है। चले अब आपके सामने देखे तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बिस्मिल्लाह। पेस्ट वो खुद कूटा हुआ है, पाउडर नहीं डालने लगी वैसे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। ये थोड़ा सा कर लिया, इसको ज़्यादा करना नहीं है डन। अब मैं इसमें डालती हूँ चिकन क्यूब्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालती हूँ चिकन क्यूब। अब जैसे ही इसका रंग चेंज होगा चिकन का तो फिर मैं डालूंगी इसमें दूसरी चीज़ें। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि वो मैंने मैक्रोनीज में भी डाला हुआ है ये और साथ काली मिर्च। इसमें ज़्यादा चिकन का जब रंग चेंज होगा, फिर हम चिकन का रंग चेंज हो रहा है बल्कि हो ही गया। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको गलने के लिए रख देते हैं, वो गल जाएगा। डालती हूँ गाजरे ताकि वो भी साथ ही वो भी हो जाए, नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी दड़ा मिर्च डालने लगी हूँ, वो मुझे रखनी याद नहीं रही थी। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब देखिए ये तो हो गई हैं, गाजरे भी और चिकन भी और ये शिमला भी। अब मैं डालने लगी हूँ मैक्रोनीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनको मिक्स कर लूँ। बिस्मिल्लाह। ये मटेरियल जो मैक्रोनीज है वो उसकी चॉइस के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक मैंने ज़्यादा डाला है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक चिली सॉस अब डालती हूँ। गार्लिक चिली सॉस यही है। अब डालती हूँ दूसरी केचप। अब मैं डालती हूँ ये
टमाटो केचप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाजे, मेरे अंदाजे, कोई नाप तोल नहीं, कोई कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके लिए मुझे खड़े होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अब ये मैं ना, माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त मुँह में पानी है, लेकिन मुझे मिलनी थोड़ी है। कितनी प्यारी लग रही, कलरफुल है, और केचप भी है, स्पाइसी भी है, तो मैंने डाल ली है। स्पाइसी भी चीज़ है, और वो जो प्रोड्यूसर है ना मेरी, वो कह रही है जल्दी करें। अब देखें, माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और मैं फ्लेम को बंद करती हूँ। चले, अब मैं फ्लेम को बंद कर दी। देखिए, मैंने मैक्रोनीज बना ली हैं, ज़बरदस्त बनाई हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी होंगी लाजमी। सारे मैंने मसाले डाले हैं, इसमें बंद गोभी भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले। मैं घर वालों की पसंद के मुताबिक बनाई हैं। तो अब मैं इसका टेस्ट करती हूँ। आए आप भी वैसा शेयर करें, बिस्मिल्लाह करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, अब ये मैं टेस्ट करती हूँ उसका, देखती हूँ उसमें, इनको चक्कर दे के अपने घर लेके आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे काबू नहीं आ रही है, इनका क्या करूं। आए प्लीज मेरी उंगली बस मेरी हेल्प कर। बच्चों के खाने वाली और खेलने वाली चीज है। अब देखिए हमें भी किस तरफ लगा दिया हुआ है इस प्रोड्यूसर ने। ये देखिए, अब इतना बड़ा उसका वो बना है, अब मुझे उतना मुंह खोलना पड़ेगा। प्लीज मेरा मुंह ना दिखाना। बिस्मिल्लाह करें, आप भी खाएं, मिलके खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो थोड़ा सा बोनलेस चिकन है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें इसको घर में रख छोड़े। चले, जब कभी दिल किया, नहीं खाना खाने को दिल किया, नहीं रोटी खाने को दिल किया, चले ये बना ली। थोड़ी साइड बनाई है आपके साथ शेयर करने के लिए। वैसे तो अक्सर बनाई है, तो वो तो बेटी बनाती रही है, तो आज मैंने बनाई है। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा मैंने गोभी, बंद गोभी नहीं डाली, प्याज नहीं डाला, क्यों वो कुछ मुझे भी नहीं पसंद है, और बच्ची को भी नहीं पसंद है। तो मुझे इसके बारे में कमेंट्स दीजिए, इसके बारे में बताइएगा कि क्या ये मैक्रोनीज देखने में भी अच्छी है और खाने में भी अच्छी है। मैंने हर चीज़ आपके सामने डाली है, ज़बरदस्त। तो चले, इसके लिए आप मुझे अच्छे से कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी फुल वीडियो वॉच करें। अगर किसी ने कभी नहीं बनाई मेरे व्यूवर्स में से, तो आप इस रेसिपी को देख लें कि मैंने कैसे बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगी बनाने में, कोई मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है हर चीज़ को, तो इसके लिए मैं आपको फिर बार बार कहूँगी कि आप ज़रूर बनाएं। और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, और हमें अपनी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ़ से खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।